नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव की तस्वीरें अब साफ होती दिखाई दे रही हैं। सभी दलों की तरफ से पहले फेज के प्रत्याशियों और उम्मीदवारों का इनाम की घोषणा कर दी गई है। इस बार जातीय समीकरण के साथ साथ सामाजिक समीकरण को भी देखा गया है, लेकिन इन सब के बीच अगर राजद की बात करें तो तेजस्वी यादव ने ना सिर्फ जातीय समीकरण को देखा बल्कि अपने वादे को भी पूरी तरह से निभाया है। वो कौन सा वादा है? वो है यूथ को आगे बढ़ाने का। इस बार तेजस्वी यादव ने कई सारे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जो की है, उनमें कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो अभी युवा हैं और इसी के तरजीह पर उन्होंने यूथ पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने यूथ पॉलिटिक्स को आगे लेकर बढ़ने का पूरा वादा किया है। राजद ने पहले चरण की जिन 42 सीटों के प्रत्याशियों को सिंबल दिया है उनमें सबसे ज्यादा युवा हैं। तेजस्वी ने 50 साल से कम से 36 कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव की गणित को देखते हुए इस बार भी भारी संख्या में महिलाओं को भी चुनावी मैदान में उतारा है। राजद के कुल 42 कैंडिडेट में 10 महिलाएं हैं। इसके साथ ही सामाजिक समीकरण के लिहाज से राजद ने अपने वोट बैंक का भी पूरा ख्याल रखा है। आधे से ज्यादा मुस्लिम और यादव समीकरण से है। राजद ने 42 कैंडिडेट में 19 सीटों पर यादव को सीट दी है जबकि 3 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। भूमियार और ब्राह्मण एक एक सीट को दी गई है जबकि कुशवाहा और राजपूत को दो दो सीटें दी गई है। इसके साथ ही राजद ने आरक्षित सीटों के लिहाज से पहले चरण में अनुसूचित जाति के 8 और जनजाति के 1 प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इन सब के बीच राजद को जब से युवा नेतृत्व मिला है तब से युवाओं पर पार्टी लगातार फोकस कर रही है। तो बता दें आपको कि अभी फिलहाल राजद के जो प्रमुख चेहरे हैं वो तेजस्वी यादव हैं और वो एक यूथ हैं और लगातार वो युवाओं के जो मामले होते हैं उन पर हमलावर होते हैं। नीतीश कुमार को भी लेकर उन्होंने कई बार बेरोजगारी का जो मुद्दा है जो युवाओं का है उसको लेकर कई बार उन्होंने सवाल किए हैं, सवाल दागे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने यूथ पॉलिटिक्स को निभाया है, उसको तरजीह दी है, क्या युवा उन पर भरोसा कर पाते हैं, ये तो आगामी चुनाव ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।